महाराष्ट्र के अहमदनगर से उठी औरंगजेब की तस्वीर लगाने की चिंगारी अब कोल्हापुर तक पहुंच गई है। अहमदनगर शहर से उठे इस मुद्दे ने कोल्हापुर आते आते मामले ने हिंसक रूप ले लिया है। सूत्रों का दावा है कि कोल्हापुर शहर में औरंगजेब की तस्वीर लगाने को लेकर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं जनता से भी शांति की अपील करता हूं। पुलिस की जांच चल रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। दरअसल कोल्हापुर में कई युवाओं ने आपत्तिजनक स्टेटस अपलोड किया और औरंगजेब की जमकर तारीफ की, जिसके बाद शहर के दूसरे चौक टाउन और हॉल और लक्ष्मीपुरी इलाके में पथराव की घटनाओं को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। बढ़ती घटनाओं के कारण कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने घटनास्थल पर बड़ी संख्या में बल तैनात किया। धारा 144 लागू कर पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। शासन और प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही प्रशासन ने दावा किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।